एमएनएस न्यूज लाइव पर देखते आज की कुछ खास खबर। नावेद पर हत्या के प्रयास का मामला, मुंबई बम धमाकों में है दोषी। सेंट्रल जेल में सजा काट रहे मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में दोषी नावेद हुसैन खान रसीद हुसैन खान के खिलाफ धंतोली पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। यह मामला जेल में हत्या के मामले में सजा काट रहे अन्य कैदी मोहम्मद आजम असलम भट्ट के वकील सारनाथ शाहू की शिकायत पर दर्ज किया गया। ज्ञात हो कि 25 फरवरी की सुबह 7:45 के दौरान नावेद और आजम के बीच विवाद हुआ था। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। बीच बचाव करने गए जेल रक्षक ईश्वर दास बाहर करके साथ भी दोनों ने हाथापाई की। बाहर करके शिकायत पर धंतोली पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जादू टोने के शक में एक की हत्या। कुही पुलिस थाने अंतर्गत मुसल गांव में जादू टोना के संदेह पर गांव में पान टपरी चलाने वाले दलित युवक की गांव के ही भुजांडे परिवार के लोगों ने हत्या कर दी। विद्याधर कारूजी रंगारी बताया गया है। जानकारी के अनुसार मुसल गांव में विद्याधर अपने निवास पर ही टपरी चलाता था। भुजांडे परिवार के लोगों को उस पर जादू टोना करने का संदेह था। शुक्रवार को शाम करीब 6 बजे भुजांडे परिवार के लोगों ने विद्याधर को टपरी से खींचकर बाहर निकाला और मृतक को लाठी व घूसों से पीटते हुए गांव के पास अपने खेत पर ले गए। यहां पीट पीट कर उसे मार डाला। कुही पुलिस ने विद्याधर का शव बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए नागपुर मेडिकल में लाया गया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। नाबालिग पोती को यौन उत्पीड़न से बचाते हुए 62 वर्षीय महिला की हत्या। मुर्शिदाबाद में जब एक 62 वर्षीय महिला 15 वर्षीय पोती को यौन उत्पीड़न से बचा रही थी तब आरोपी ने उनकी हत्या कर दी। बतौर पड़ोसी आरोपी कई बार उत्पीड़न करने की कोशिश कर चुका था और उस दिन खिड़की से घर में घुसने की फिराक में था। जब दादी मदद मांगने बाहर गई तो उसने उसका गला घोट दिया। पड़ोसियों ने शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।